हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। MBBSC प्री क्रैश कोर्स में आज हम प्रमुख साहित्यिक रचना पढ़ने वाले हैं और प्री क्रैश कोर्स का आज हमारा ये 16वां भाग है। इसके पहले हम 15 जो टॉपिक हैं इसके कर चुके हैं। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से PSC प्रश्न उठाती है वो मैं इस क्रैश कोर्स में करवा रही हूँ। ये पी सीरीज़ नाम से चलेगी, जैसे कि सी सीरीज़ जो मैंने क्रैश कोर्स के समय अभी लास्ट PSC एग्ज़ाम प्री के समय आपको निकाली थी। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आए हुए थे क्योंकि हमने बहुत जल्द उस समय बहुत लेट से स्टार्ट किया था तो पूरे टॉपिक नहीं कंप्लीट हो पाए थे। इस बार हमने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया है तो अब जो जो टॉपिक बताऊँ वो आप अच्छे से करते जाइएगा। और इसकी PDF आपने अगर हमारे प्री के नोट्स लिए हो तो आपको एक ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे मिल जाएगी। प्री के जो नोट्स हैं कुछ इस तरह से 12 बुकलेट आपको मिलेंगी, तो आप ये 12 बुकलेट ले सकते हैं। बहुत सरल तरीके से इनको तैयार किया गया है, इजी लैंग्वेज में है और इसमें से 5 से 6 पहल पूरी टोटल हैंड रिटन है और फॉन्ट बड़ा रखा गया है ताकि आपको पढ़ने में बहुत, क्योंकि बुक में छोटा फॉन्ट रहता है तो आपको पढ़ने में आसानी नहीं होती है। तो आप ये 12 फाइल कहीं भी भारत में रहते हैं मंगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। याद रखिएगा, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। इसके बाद है, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? तो मुद्रा राक्षस की रचना की थी विशाखदत्त ने। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। महाभाष्य की रचना किसने की थी? महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। पुष्यमित्र सिंह जिनका शासनकाल, पुष्यमित्र सिंह जिनका काल विदिशा में था उनके समय ये उनके राजकवि थे पतंजलि। पतंजलि का नाम तो आप सभी लोगों ने की सुनाई है और रामदेव बाबा ने उसको और ज़्यादा हिट कर दिया है। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार PSC पूछ चुकी है और बहुत बार पूछे जाने की संभावना है। कथा सरित सागर की रचना किसने की थी? कथा सरित सागर की रचना की सोमदेव ने। कथा सरित सागर की रचना किसने की? सोमदेव ने की। बृहत कथा मंजरी की रचना किसने की? बृहत कथा मंजरी की रचना की थी क्षेमेंद्र ने। बृहत कथा मंजरी की रचना किसने की? क्षेमेंद्र ने। कथा सरित सागर की रचना किसने की? सोमदेव ने। बृहत कथा मंजरी की रचना किसने की? क्षेमेंद्र ने। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? क्या पूछ रहे हैं? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? इसमें मौर्य काल के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र की जानकारी मिलती है और इसकी रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। नीति सार की रचना किसने की थी? नीति सार की रचना कामंदक ने की थी। याद रखिएगा, नीति शास्त्र नहीं है, नीति सार है। नीति सार की रचना किसने की थी? कामंदक ने की थी। नीति सार की रचना किसने की? कामंदक ने। माल विकाग्नि मित्रम की रचना किसने की? माल विकाग्नि मित्रम की रचना की थी कालिदास ने। माल विकाग्नि मित्रम की रचना किसने की? कालिदास ने। मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? मृच्छकटिकम की रचना की थी शूद्रक ने। मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? मृच्छकटिकम की रचना की थी शूद्रक ने। किसने की थी मृच्छकटिकम की रचना? शूद्रक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित की रचना किसने की? हर्षचरित की रचना जिसमें हर्ष की तारीफ, हर्ष के शासन के बारे में, हर्ष के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है, तो हर्षचरित की रचना की थी वाणभट्ट ने। हर्षचरित की रचना किसने की? हर्षचरित की रचना की वाणभट्ट ने। रामचरित की रचना किसने की थी? रामचरित की रचना की थी संध्याकर नंदी ने। रामचरित की रचना किसने की थी? रामचरित की रचना की थी संध्याकर नंदी ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो की रचना की चंदर वरदाई ने। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंदर वरदाई ने की थी। राज तरंगिणी की रचना किसने की? राज तरंगिणी की रचना कलहण ने की। कश्मीर के इतिहास की जानकारी आपको इस राज तरंगिणी से मिलती है, तो राज तरंगिणी की रचना किसने की थी? राज तरंगिणी की रचना की है कलहण ने की। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंदर वरदाई ने की। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें ये जितनी भी साहित्यिक रचनाएं थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो मैंने ये कवर करवाई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक टॉप 10 श्रृंखला लेके आ रही हूँ जिसमें हम रोज़ टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, तो वो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।